लेक्चर 10 है ये मेन डायगनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और दो तीन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो बचे हैं वो रहेंगे यहाँ पे, प्लस टोटल 1 से 10 लेक्चर हैं, उसको मैं एक प्लेलिस्ट करके कर दूंगा। और 2 से 3 एडिशनल लेक्चर्स आएंगे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के नाम से ही। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बच गए हैं चैप्टर में अलग से हैं, वो जो मेन नहीं कवर हो पाए हैं, बट मेनली सारा चीज़ सारे कॉन्सेप्ट इन 10 लेक्चर्स में कवर हैं, ठीक है। तो पिछला हमने आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, केली हैमिल्टन थ्योरम, ये सारा देखा है। अब हम डायगोनलाइजेशन एंड थोड़ा सा जो और है उसको देखेंगे, ठीक है। तो वापस आते हैं और देखते हैं डायगोनलाइजेशन क्या कहता है। गिवन मैट्रिक्स, अ गिवन मैट्रिक्स सेट टू बी डायगोनलाइजेबल, मतलब वो डायगोनलाइजेबल है, उसको उसके ऊपर हम डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी, अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, यहीं पे हमने कह दिया है कि पी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, इसका यही मतलब है, ठीक है। सच डेट ए पी इजकल टू पी डी। अच्छा, डी क्या है, पी तो हमने डिफाइन कर दिया, ए हमारी गिवन मैट्रिक्स थी, डी जो है वही हमारी डायगनल या डायगनल मैट्रिक्स है, मतलब मैं क्या कहता हूँ, डायगनलाइजेशन के लिए जो मैट्रिक्स हमारी स्पेशल है वो हमारी डी है। तो ए को अगर हमें निकालना है टू फाइंड ए, हम क्या करेंगे, पी डी इंटू पी इनवर्स, ठीक है। पी इनवर्स इधर चला जाएगा, हमको पी पता होना चाहिए, हमको डी पता होना चाहिए। पी पता है तो हम पी इनवर्स उससे निकाल लेंगे। पी इज मैट्रिक्स विद कॉलम्स आर आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। पी जो मैट्रिक्स है वो आइगन वेक्टर्स ऑफ ए की एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, जितना आइगन वेक्टर होंगे ए के। और डी जो है वो डायगनल मैट्रिक्स है एक्स, उसको ठीक है नाम एक्स है। आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर डायगनल एलिमेंट, जो आइगन वैल्यूज होंगी ए की वो इसके डायगनल एलिमेंट होंगे, मान लो ए बी सी। तो ये क्या है, ए बी सी ए की आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, वो इसके डायगनल एलिमेंट होंगे डायगनल मैट्रिक्स के। बकायदा अभी इसको हम सही करेंगे, मतलब अच्छे से डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। नीचे आते हैं, तो ये तो हमने डायगोनलाइजेशन देखा, पी है, डी है, पी क्या है, वो आइगन वेक्टर्स की है मैट्रिक्स, ये आइगन वैल्यूज की है डी, ठीक है। तो ए पी इजकल टू पी डी और ए इजकल टू पी डी इंटू पी इनवर्स, ये हमको याद रखना है, पी डी इंटू पी इनवर्स। अब हमने दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज टाइप का देखना है, ए की पावर के, एनी पावर के, कुछ भी हो सकता है, एनी पावर इंटीजर होगा, ठीक है, ए ए स्क्वायर ए क्यू, वो इंटीजर में बढ़ता है। इजकल टू पी डी की पावर के इंटू पी इनवर्स, मतलब हम ए की किसी भी पावर पे हम डायगोनलाइजेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा वो सिंप्लीफाई होके ऐसा ही आ जाएगा। ए क्या था हमारा, पी डी इंटू पी इनवर्स, तो पी और पी इनवर्स सेम रहेंगे, बस हमारा इधर ए बढ़ गया तो इधर डी के ऊपर बढ़ गया के, ठीक है। प्रूफ भी किया है, अगर आप ए स्क्वायर को देखेंगे तो ए इंटू ए, हमने क्या किया, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमने ऐसे करके लिख दिया। तो पी इनवर्स और पी हमारा क्या होगा, अगर एक मैट्रिक्स है ए और उसमें आप उसमें उसी का इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आई के इक्वल आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आई के इक्वल आएगा। तो आई आ गया तो ये बीच में आई तो हमारा गायब हो गया, तो हमारा फिर से वही चीज बची, पी डी इंटू पी इनवर्स, ठीक है। उससे क्या प्रूफ हो गया कि इधर ए स्क्वायर था तो इधर डी स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर से डी स्क्वायर करस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ पे के इधर के से करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, ये चीज प्रूफ हो गई। और दूसरा क्या है, जो ऊपर हमने देखा भी था कि ए इज डायगोनलाइजेबल इफ पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर इसको क्या बोला था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका यही मतलब था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है पी तभी ए हमारी डायगोनलाइजेबल होगी। और क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको पी इनवर्स निकालना है, क्यों, वाई, मतलब पी हमारी नॉन सिंगुलर क्यों नहीं चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको हम क्वेश्चन करेंगे, हर बात को, हर छोटी सी छोटी चीज़ को, तभी हम अच्छे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो हम पूछेंगे कि क्यों क्यों होनी चाहिए पी नॉन सिंगुलर, क्योंकि हमको पी इनवर्स निकालना है, पी इनवर्स निकालना है तो फिर नॉन सिंगुलर पी का होना जरूरी है। तो अगर ऐसा है तो हमारा ए जो होगा उसके पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स वाली बात हो गई, अब हम देखेंगे सीधे से क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिससे हम चीज़ को समझें, ठीक है। तो हम प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ में। हमको सिंपल फॉर एग्जाम्पल, हमको आइगन वैल्यू गिवेन है, आइगन वेक्टर्स गिवेन है, हमको ए जो हमारी मैट्रिक्स होगी फाइनल, हमको वो पता करनी है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल।
तो हमको पता है कि ए क्या होता है, पी डी इंटू पी इनवर्स। पी इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको सॉरी हमको पी का डिटर्मिनेंट चाहिए एंड एडजॉइंट चाहिए, ठीक है, जो कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, ठीक है, एकदम ब्रेक करते हुए सिंपल सा, ठीक है। तो हमको पी, हमको पता है कि पी जो होता है वो हमारा आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो आइगन वेक्टर्स हमारे हैं 1 1 1 -1, ठीक है। मतलब सिंपल सा है कि आपका ये एक आइगन वेक्टर है जो कि कॉलम में है, ये दूसरा है, तो इनको मिला के जो हमने मैट्रिक्स को क्रिएट किया है तो वो हमारी जो मैट्रिक्स है वो हमारी पी मैट्रिक्स है। ऐसे डी क्या होता है, डी इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। डी मैट्रिक्स भी सिंपल होती है, उसमें क्या होता है, ये होता है, ये फॉर्मूला ही मैं बता देता हूँ, λ1 λ2, अगर 3 होगा तो λ3 हो जाएगा, फिर 0 0 0 0 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 3 नहीं है तो हम उसकी बात खत्म करते हैं। मतलब मेन डायगनल में हमको हमको आइगन वैल्यूज लिखनी है, हमने डायगनल में आइगन वैल्यूज लिखी, तो ये हमारा क्या हो गया 8 0 0 4, ठीक है। अब हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट पता थी, हमको निकालना है ए सिंपल, तो हमने पहले तो डिटरमिनेंट निकाला पी का, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, अगर हम डिटरमिनेंट लिखते हैं -1 -1 -2, ठीक है, -2 डिटरमिनेंट आया। अब इसी का अगर हमको करना तो क्या होता था, इन दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया और इन दोनों का साइन चेंज कर दिया, तो ये हमारा एडजॉइंट आया, ठीक है। तो फाइनल जो पी इनवर्स आया वो हमारा आया -1/2, क्योंकि डिटरमिनेंट से क्या करते थे, डिवाइड करते थे, ठीक है, 1/2 -1 -1 -1 1, इसको हम ये लिख सकते हैं 1/2 1 1 1 -1, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अपनी जगह क्रिएट कर लेते हैं, ये हमारा P आया, ठीक है। तो P इनवर्स आ गया, P हमको पता है, तो हमको लगाना है सीधे से 1 1 1 -1 × D 8 0 0 4 × 1/2 1 1 1 -1। अब आप कैसे भी मल्टीप्लाई करिए, किसी भी ऑर्डर में हम ऐसे ही चलते हैं, ये हमारा आएगा 1 × 8 8 + 0, ठीक है। तो 1 × 0 ये 4, 1 × 8 8 ऐसे ही -4, फिर हमारा 1/2 1 1 1 -1, ठीक है। तो हम P इनवर्स को निकाल चुके हैं, तो P इनवर्स को भी हटा देते हैं, ठीक है, यहां से आते हैं, ठीक है, इसको करेंगे तो 8 + 4 12, फिर 8 और 4 × -1, ठीक है, तो 8 - 4 4, ऐसे ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। तो इसको सॉल्व कर दिया तो ये आपकी फाइनल आ गई 6 2 2 6, ठीक है। तो आपकी जो ए मैट्रिक्स है वो आपकी फाइनल ये आ गई। ठीक है, तो डायगनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से हमने आराम से निकाल लिया, बस हमें क्या पता होना चाहिए था, रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी, नंबर 1 आइगन वैल्यू, नंबर 2 रिवाइज कर रहे हैं हम, ठीक है, इसको रिवाइज कर रहे हैं, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर प्लस पी जो हमारा आइगन वेक्टर से बनता है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल ना हो, सबसे मेन बात है ये, वो हमारा 0 के इक्वल ना हो। इधर हम एक कॉन्सेप्ट और समझ सकते हैं, अगर आपका 1 2 2 4 है, ठीक है, 1 2 2 4 से हम करस्पॉन्ड करते हैं, कि अगर ये आपका ऐसा है, आपके जो ये आइगन वेक्टर हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसे 1 2 एंड 2 4, दो अलग अलग हैं, ठीक है। अगर आपको ये गिवन होते और आपसे कहा जाता कि ए को फाइंड करिए, तो आप ए निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे, जहाँ मैं लिख रहा हूँ उसी जगह पे फोकस करेंगे, पूरा नीचे से मतलब नहीं है, ठीक है, निकाल सकते थे, नहीं नहीं क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट है, यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट रो आ गई,
और जहां डिपेंडेंसी आई वहां जीरो आ गया। तो ये जो बनी है इन दोनों की मदद से, ये आपका पी है और आपको दिख रहा है कि आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ पी है वो इक्वल टू जीरो है। तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से आपका निकल ही नहीं सकता ए, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जो हमारे आइगन वेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे पे लीनियरली डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो, जैसा कि ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। तो डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने कवर किया। हम क्या चलते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, एक लेवल ऊपर चलते हैं। हम चार तरीके की, ठीक है, 1 2 प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज, कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड डायगोनलाइजेशन। हमने चार कॉन्सेप्ट पढ़े, ठीक है, लेक्चर 9 और 10 में, ये 10 चल रहा है, चार कॉन्सेप्ट पढ़े, उनको टोटल हमने समझ के, हमने सबको जो भी देखा समझा, उसके बाद हम चार तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है, फॉर गिवन मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स गिवन है और आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, फाइंडिंग आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो सिंपल है, आपको लैम्डा निकालना है, तो ये आपने देख लिया था, ठीक है। फिर वही फॉर गिवन मैट्रिक्स, आपको आइगन वेक्टर निकालना है, ठीक है, एक्स, तो ये हम देखेंगे। फिर है, फिर आपको आइगन वैल्यूज एन वेक्टर दोनों गिवन है, ठीक है। ये हमने क्या देखा था, डायगोनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, तो आपको इसमें क्या था, इसमें क्या डिफरेंट है, आपको यहां पे ए निकालना है टू फाइंड, ठीक है। आपको आइगन वैल्यूज वेक्टर दोनों गिवन है, पहले आपको ए गिवन है, तो आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है और आइगन वेक्टर निकालने हैं, दो टाइप की प्रॉब्लम है। फिर आपको वैल्यूज वेक्टर गिवन है, आपको ए निकालना है डायगोनलाइजेशन की मदद से। और फाइनल क्या था, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू केली हैमिल्टन थ्योरम, क्या था कि ए सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये एक एग्जाम्पल था। वैसे तो इन सब तरीकों को हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी सबके एक एक क्वेश्चंस हम एक बार देख लेंगे, तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले टाइप की प्रॉब्लम की बात करते हैं, हमको क्या है, आइगन वैल्यूज निकालने के लिए दिए हमको एक मैट्रिक्स की मैंने ए, ये तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती थी, ठीक है, तो उसमें S1 क्या होता था, आपका ट्रेस होता था। तो आपका जो एक मतलब ट्रेस क्या होता था, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, भी ट्रेस होता है और डायगोनल एलिमेंट का तो सम ट्रेस होता ही है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे आपका ट्रेस -4 है। तो सबसे पहला, ये एक MCQ टाइप है और उसको शॉर्ट में हम निकालेंगे कि ये क्या है, इनका जो सम है वो -4 के इक्वल होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी की ये बात हो रही है। दूसरा डिटर्मिनेंट देखा जो कि 0 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे फुलफिल करते हैं, तो ये आपका नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये 4 है, ये भी नहीं हो सकता 5 है, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये -5 है, ये आपका -4 के इक्वल है। तो आपका राइट आंसर है ए। तो आपने शॉर्ट में यहाँ से निकाल लिया ये जो आपका ट्रेस है S1, ठीक है, और जो आइगन वैल्यूज का सम है वो इक्वल होता है। तो आपने सारी आइगन वैल्यूज का सम करके देख लिया, तो आइगन वैल्यूज का जो आपका सेट है वो 0, -1 और -3 के इक्वल आ गया। यहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और देखें कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो होता है वो ट्रेस के इक्वल होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो होता है वो आपका डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये कोफिशिएंट होते हैं ना, इनकी खुद की प्रॉपर्टी भी होती है, ये जो आपका होगा वो जो इसके रूट्स होंगे उनका सम होगा, और ये जो आपका होगा वो जो रूट्स होंगे उनका प्रोडक्ट होगा। तो हमारे रूट्स क्या है, वो है आइगन वैल्यूज, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज हमारा ट्रेस के इक्वल है, एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हमारा डिटर्मिनेंट के इक्वल है। अब हमने फिर से हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और देखते हैं, एक मिनट, डिटर्मिनेंट तो हमारा 0 आ गया था, तो उससे हमें क्या हेल्प थी कि हम उसको भी यूज कर सकते थे,
कि हम सबका मल्टीप्लाई करते देखते जीरो आ रहा है कि नहीं वैसे, तो जीरो सम में गिवन है तो फिर ये तो हमारे काम का रहा नहीं, हमने सम देख लिया, इस सम हमारा माइनस फोर के इक्वल आना चाहिए, तो हमारा आंसर आ गया ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, हमने काफ़ी चीज़ें सीखी इसको। हाँ, इसको आप जरूर नोट डाउन करके दिमाग में रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। एक मैट्रिक्स दिया आपको पी, ठीक है, ये गिवन मैट्रिक्स है, वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज इज माइनस टू। अच्छा हम देखें तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, तो हमको तो पता है कि इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे, तो माइनस टू थ्री एंड वन, ये तो हमको पहले से पता है, यहाँ से हमने देख लिया, ठीक है। हमको गिवेन है कि एक तो माइनस टू है, तो हम उसी को यूज करेंगे, प्रिंसिपल जो हमारी इक्वेशन होती है ए इंटू लेमडा आई, हाँ, इन टू एक्स इजकल टू आइगन वैक्टर के लिए, ये आपको पता है कि ये एक्स इसको फुलफिल करता है, ठीक है। इसको सेपरेट करके लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इजकल टू लेमडा एक्स, ठीक है, ये उधर चला जाएगा, ओ से कोई मतलब नहीं है। तो ये अब सीधी सी बात है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए माइनस या ए प्लस टू आई इंटू एक्स इजकल टू जीरो, क्योंकि लेमडा क्या है, ओवरऑल लेमडा तो एक आइगन वैल्यू है ना, तो टू हमारी जो एक आइगन वैल्यू है, ठीक है, आई है, माइनस टू आइगन वैल्यू है, तो उसको हमने यहाँ पुट कर दिया, तो आपका ये आ गया, तो ए एक्स इजकल टू टू एक्स, माइनस टू, ठीक है, उधर जाके माइनस टू। तो अब हमको करना कुछ नहीं है, हमको सेटिस्फाई करना है, हम और किसी तरीके से इसको लॉन्ग सॉल्व नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। ये हमारा ए है, ये हमारा अननोन है, माइनस टू टाइम्स दिस अननोन, बस। अभी चार वैल्यूज हैं, इन चार वैल्यूज में सीधा सा जो हमारा थंब रूल है कि इसमें से कोई भी एक वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी, हमने रखा थ्री टू माइनस वन, थ्री टू माइनस वन, ठीक है। इसको हमने सॉल्व, अगर हमने सॉल्व किया, ठीक है, एक एक करके सॉल्व करेंगे, तो थ्री इंटू थ्री माइनस फोर माइनस टू, ओके, फिर जीरो इंटू जीरो माइनस फोर और माइनस वन, और फिर ये सीधे से माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये आपका आ गया थ्री, ये माइनस फाइव, ये माइनस वन, और इधर कितना आई है, माइनस टू से तो माइनस सिक्स, माइनस फोर एंड टू, ठीक है। तो ये तो आपका सेटिस्फाई किया नहीं, तो आपका ये तो हो गया गलत। फिर आपने दूसरा देखा, तीसरा देखा, तो हम बस यही कर सकते हैं यहाँ पे, हिड एंड ट्रायल अपने दूसरा हमने किया, चेक कर लेते हैं, ठीक है, माइनस टू माइनस थ्री टू एंड माइनस वन, तो माइनस थ्री टू एंड माइनस वन, तो ये आपका हो गया सिक्स, माइनस फोर एंड टू, ठीक है। तो फिर से हमने क्या किया, तो माइनस नाइन माइनस फोर माइनस टू, ये कितना आ गया, माइनस फिफ्टीन, तो ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमने इसको भी हटा दिया, हमने फिर दूसरा देखा, ठीक है, तो इसको भी हटा दिया, अब वन माइनस टू एंड थ्री, ये आपका आ गया माइनस टू फोर एंड माइनस सिक्स, ठीक है। तो ऊपर पहली वाली उससे ही देख लेते हैं, या हम नीचे वाली से भी देखेंगे ना, ये आपका आ गया थ्री, नॉट इक्वल है, तो आपका फिर बचा गया, आपका एक ही ऑप्शन बचा है और वही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, टू फाइव जीरो, टू फाइव जीरो जीरो, ओके, माइनस टेन एंड माइनस फोर, माइनस फोर माइनस टेन एंड जीरो, तो आपका थ्री टू जै सिक्स, माइनस फाइव टू जै टेन और जीरो, तो ये आपका माइनस फोर आ गया करेक्ट, तो ये आपका माइनस टेन एंड जीरो, ये भी करेक्ट, फिर आपका जीरो जीरो, वन को जीरो से करेंगे तो जीरो, तो ये आपका करेक्ट आ गया, तो आपका आंसर है डी, ठीक है। तो सिंपल ये था कि हमने जो इक्वेशन दी उसमें हमने लैम्डा की जगह माइनस टू को पुट कर दिया, ए एक्स इजकल टू टू एक्स कर दिया, क्योंकि उधर जाके ऐसा हो सकता है, और उसमें हमने वैल्यूज एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखी, तो हमारा ये हमारा बैड लगता कि जस्ट फोर्थ वाला ही आंसर सही था, हम पहले ऊपर से हमने शुरू किया था करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमको गिवन जो है वो हमको आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर गिवन है, ठीक है, आइगन वेक्टर हमको निकालना है। एक मैट्रिक्स ए है, बी है, कुछ भी हम सपोज कर सकते हैं, मैट्रिक्स ए है तो हमको वो निकालना है कि क्या इसमें से सही हो सकती है, ठीक है। अब हमको नई चीज पता चल गई कि जो आपका सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है वो आपके ट्रेस के इक्वल होता है, जो मैट्रिक्स का ट्रेस भी वही होगा और सम भी आइगन वैल्यूज का सेम होगा, तो आपका यह आया 12 इस कंडीशन में, ठीक है, पहली चीज। फिर प्रोडक्ट आपका जो होता है आइगन वैल्यूज का 8 4 32, वही आपका डिटर्मिनेंट होता है, ये आया दूसरी चीज, ठीक है। तो हम पहले तो इनको ही पुट करके हम देख सकते हैं, और सेकेंड जो तरीका है वो हम डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने देखा था और इस तरीके का एक क्वेश्चन भी किया था। तो हम देखते हैं डिटर्मिनेंट हमारा 32, तो इस केस में हमारा डिटर्मिनेंट 32 आएगा, इस केस में हमारा 4 - 16 नहीं आएगा, 4 4 16 - 64 नहीं आएगा, एंड 4 4 16 - 36 नहीं आएगा। तो हमारा आंसर तो यहीं से क्लियर हो गया कि आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट ही आया और ट्रेस भी आपका 12 आ गया, यहाँ पे ट्रेस भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन ए है 6 2 2 6, आपका डिटर्मिनेंट भी 32 आ गया, ठीक है, 6 × 6 - 2 × 2, एंड आपका ट्रेस 6 + 6 भी 12 आ गया, ठीक है। तो ये आपने जो आपको सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज और शॉर्ट ट्रिक्स पता है उसकी मदद से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वरना क्या होता, डायगोनलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट पी डी पी इनवर्स रिवाइज कर रहे हैं हम फिर से, ठीक है। तो आप इसको लगाते पूरे को, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा क्वेश्चन है, केली हैमिल्टन थ्योरम के कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमको एक मैट्रिक्स दी है ए, जो कि 4 × 4 की मैट्रिक्स है, जो कि काफ़ी बड़ी हो जाती है, हमको ए की पावर 4 हमको निकालना है, और हमको कुछ भी नहीं पता है, ये ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, इसको देख के हमको एक चीज़ समझ में आई कि ये हमारी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हमारी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो डायगोनल एलिमेंट ही होंगे, तो आइगन वैल्यूज हमारी क्या क्या हो गई, 2 - 2 2i एंड - 2i, ओके। इससे हमको क्या पता चला कि λ+2, λ-2, λ+2i जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी λ-2i के इक्वल होगी, ये चीज हमको समझ में आ गई यहीं पे, ठीक है। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया, a+b a - b, तो एंड a+b a - b, ठीक है, तो λ² - 4i² तो -4i² क्या हो गया, -i² जो होगा हमारा वो +1 हो जाएगा, तो λ² + 4, और यही चीज हमारी फिर a² - b² × a² + b² या λ² को हम अगर अज्यूम कर लेते हैं कुछ सपोज x, तो ये हमारा a - b a + b, मतलब x - 4 और x + 4, तो हमारा ये x² - 2 का स्क्वायर, तो मतलब 4 का स्क्वायर, तो ये हमारा ये बन गया, ठीक है। अब तो बात ही खत्म हो गई सारी, अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो हम इसको a की पावर 4 लिख सकते हैं, तो a की पावर 4 क्या हो गया हमारा 16i के इक्वल, 16 उधर गया, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो यहीं पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ये जो लेक्चर 10 है ये ख़त्म होता है, हमने लगभग पूरा चैप्टर कवर कर लिया, कुछ एडिशनल अगर कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनको एक दो वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है, थैंक यू।